नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सरकार द्वारा कोरोना वायरस के मामलों में की जा रही है कड़ी निगरानी। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। हरियाणा की मुख्य सचिव केसरी आनंद अरोड़ा ने बुधवार को चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह सचिव के साथ हुई कोविड 19 की स्थिति से निपटने के लिए प्रबंधन की समीक्षा बैठक में बताया कि हरियाणा द्वारा कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए RT-PCR टेस्टिंग एवं रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले सभी जिलों की स्थिति में सुधार हो रहा है। प्रदेश में किए जा रहे RT-PCR परीक्षण और रैपिड एंटीजन परीक्षण का अनुपात 65:35 का है। जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण पाए जा रहे हैं, उन सभी मरीजों को RT-PCR परीक्षण करवाया जा रहा है। प्रदेश में कोविड 19 के प्रबंधन के लिए सेटिंग सुविधाओं के अलावा कॉन्टैक्ट सेटिंग्स और ट्रेसिंग क्लिनिक मैनेजमेंट पर अधिक ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता है और साथ साथ जन जागरूकता गतिविधियों को भी प्रभावित रूप से और उसी ढंग से अंजाम दिया जा रहा है। विशेष सेल के माध्यम से सक्रिय संपर्क टेस्टिंग 72 घंटे की अवधि के भीतर पूरा किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग व कोरोना संकट से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं में SOP की अनुपालना को प्रदेश में सख्ती से लागू किया जा रहा है। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने, श्रमिकों की वापसी एवं किसान आंदोलन से कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि होने की संभावना बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन वाले मरीजों की स्थिति पर निरंतर निगरानी भी की जा रही है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने बताया कि प्रदेश में परीक्षण की दर 68,244 प्रति मिलियन है और प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले जिलों में ये दर 1,04,423 प्रति मिलियन है। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परीक्षण की दर के मुकाबले कोरोना मामलों की दर 6.31% और रिकवरी रेट 84.52% है। वहीं संक्रमितों की मृत्यु दर 0.91% है। आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की स्वास्थ्य निगरानी के लिए टीमों द्वारा दौरा किया जा रहा है। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज व कोविड केयर सेंटर में बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर सुविधा दी गई है। कोरोना वायरस के मामलों में निपटने के लिए साप्ताहिक रणनीति भी तैयार की जा रही है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट।